हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल जब भी पूछेगा इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चाहे आप नेट दीजिए, वहाँ पर भी क्या होगा, इस चैप्टर से यहाँ से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़े थे कि वेपर प्रेशर में क्या पढ़े थे कि जब आपका प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट जब ये क्या कर रहे थे, इवेपोरेट कर रहे थे आपके, तो इस सरफेस में क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था जाके। हर जब उसकी एनर्जी ज्यादा था तो फिर क्या होता है, बाउंस बैक होकर इस लिक्विड के सर्फेस में एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, उसी को हम लोग क्या बताए थे, वेपर प्रेशर। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉ पढ़े थे जिस लॉ का नाम था राउल्ट्स लॉ। देखिए, तो राउल्ट्स लॉ में हम लोग एक डिस्कस किए थे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब ये ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो कि आपके इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मीन्स इसके मॉलिक्यूल से आपके इवेपोरेट नहीं करते, पहली चीज। तो जब इसमें क्या था, जब इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग डाल रहे थे तो ये जितना वेपर क्रिएट करना चाहिए था उससे क्या कर रहा था, आपका कम वेपर क्रिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई सम ऑफ द स्पेस आर ऑक्युपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जब नॉन वोलेटाइल है तो ये आपका क्या करेगा, वेपर प्रेशर वेपर क्रिएट ही नहीं करेगा, तो ये प्रेशर कहां से क्रिएट करेगा। तो इसी रिगार्डिंग एक हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहले हम लोग जान लीजिए कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट। सेकेंड क्या हम लोग का, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, जैसे मैं अभी बताया हूं कि जितना अमाउंट आप ये सॉल्यूट मिक्स कर रहे थे वेपर प्रेशर आपका क्या था, उतना कम बन रहा था। तो देखिए, समझ लीजिए कि अगर इसका नंबर आप ज्यादा कर रहे हैं, मतलब क्या, वेपर प्रेशर जितना बनना चाहिए वो कम बन रहा है। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब सपोज कीजिए सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं उसके एटम्स भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड करें मॉलिक्यूल्स और आपके आयंस भी हो सकते हैं। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टीज इन विच इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। इतना क्लियर है? गुड। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं डिटेल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आप देखिए, सॉल्यूट पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो आपके एटम्स हो सकते हैं, या तो आपके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो फिर आपके आयंस हो सकते हैं। क्लियर? मीन्स दोज प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, पहले चीज। बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट।
इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था जब आप लोग पढ़े थे और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब जितना ज्यादा आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मिलाएंगे उतना ही क्या होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा आपका कम होगा। तो सिंपल लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये बात मैं जब भी स्टार्ट किया था मैं बताया था ए जब भी आप लिखेंगे वो क्या बताएगा सॉल्वेंट बताएगा और बी जब भी आप लिखेंगे वो क्या बताएगा सॉल्यूट बताएगा। तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं तो डेट इज लिख सकते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा एक्स बी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब समझिए हम लोग ये भी जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है P इज इक्वल टू क्या होता है आपका P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये तो लिख सकते हैं भाई आपको ये भी पता है वेर P क्या करता है आपका P नॉट ए द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड P नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट। तो अब आपको पता है कि जब नॉन वोलेटाइल हम लोग ले रहे हैं तो इस केस में आपका क्या है इसकी कंट्रीब्यूशन जीरो है। देखिए इसकी कंट्रीब्यूशन जीरो मीन्स ये आपका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं बना रहा है भाई। जब ये वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है तो इससे कोई आपका पार्शियल प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। तो फॉर नॉन वोलेटाइल के केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा एक्स पे डिपेंड करेगा। मीन्स ये आपका जो कितना प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो केवल और केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे मतलब जो सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हैं उसके बाद कितने आपका मोल फ्रैक्शन ए बचा हुआ है उस पे ही क्या करेगा टोटल प्रेशर आपका डिपेंड करेगा। समझिए देखिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में तो यहां से तो एक बात क्लियर हो गई थी कि जब भी आपका डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर उस पे कम होगा वो किस पे आपका डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे ही क्या करेगा भाई डिपेंड करेगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अभी हम लोग बताए थे कि जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर होता है वो क्या होगा आपका P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के इक्वल होता है। बट ये जानते हैं आपका नॉन वोलेटाइल है मतलब इस पर कोई प्रेशर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या होगा P नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू P नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी सिंस जानते हैं आपका एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होता है वन होता है। जब यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स ए मीन्स वन माइनस एक्स बी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्यों लिखेंगे अभी रिलेशन डिराइव करने पे मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये P इक्वल टू क्या होगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी लिख सकते हैं। समझिए ये क्या है आपका कि टोटल ये आपका क्या है टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि भाई सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। मीन्स ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि जो आपका सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, आपका प्योर स्टेट में ज्यादा होगा। तो यहां से शिफ्ट कर लीजिए, P नॉट A x B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस P लिख सकते हैं भाई। अब देखिए तो x B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। देखिए मैं आपको डिफिनीशन बताया था कि जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और ये देखिए आपका आगे इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां से तो क्लियर है जो आपका कितना वेपर प्रेशर फर्स्ट के कम मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द दिस वन। फिर आगे समझिए, देखिए यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इक्वल टू एक्स बी। समझिए, तो ये आपको पता है कि ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, P इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड P नॉट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, एक्स बी पे डिपेंड करता है। अब देखिए जो आपका P नॉट A और P से जब माइनस करेंगे तो P नॉट A आपका क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर है, और ये क्या आपका टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो चेंज आएगा, ये चेंज को हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं भाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज को डेल्टा P अपॉन P नॉट A इक्वल टू एक्स बी, ये भी लिख सकते हैं। पहले अब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी, क्या लिख सकते हैं भाई, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। अब समझिए, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें अमाउंट ऑफ आपके सॉल्वेंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जब देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, मतलब ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसके कंपेरिजन में इतनी ज्यादा ये होगी कि इसकी वैल्यू कम होने के कारण हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लिख सकते हैं एन ए इज ग्रेटर एन बी, सो एन बी इज नेग्लेक्टेड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन क्या होगा एन ए। वेरी गुड। अब देखिए यहां से जब हम लोग सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए देखिए यहां से लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ गया भाई, एन बी अपॉन एन ए। समझिए, देखिए एन बी अपॉन एन ए आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं भाई, मास अपॉन मोलर मास। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मास मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास एम बी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, एन ए के जगह पे मास ऑफ द सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एन ए को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो एन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इसको लिख सकते हैं। अब समझो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा भाई, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। और इसको देखिए ये भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, मतलब यही आपका एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो सिंपल यहां से डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके मोल फ्रैक्शन से, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा।
तो यहां से ये बात या लिख लीजिए, देखिए डब्ल्यू बी क्या है आपका, आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम ए क्या है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ए जब भी लगेगा उसको सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं हम लोग, और एम बी देखिए एम बी क्या हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये आपको पता है ये पी क्या है टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो पी लिख लीजिए आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और आपको ये पता है पी नॉट ए क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो पी नॉट ए लिख लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यही आपका एक्सप्रेशन था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम लोग कहां से डिराइव किए हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।